हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि हु इज अप्रोचिंग योर लाइफ वेरी सून। कौन आपके ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले हैं बहुत ही जल्द, वो इंसान कौन है, उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या होंगे, ठीक है, नेचर क्या होगा, उनका एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। सो डेफिनेटली विल लुक इन टू, सो दिस विल बी अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग एंड डेफिनेटली दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। तो मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कौन आपके लाइफ में बहुत ही जल्द प्रवेश करने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं आपको। सो ये जो रीडिंग होगा ये डेफिनेटली इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि रेजोनेट हो सकता है कि ना हो। तो जो हो रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड रीडिंग्स, कॉफ़ी कप रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स। चैनल को ज़रूर देखिए फॉर रोज पेटल रीडिंग्स, टी कप रीडिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक वेराइटीज़ ऑफ रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपके करंट सिचुएशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं एंड देन विल प्रोसीड अहेड। उसके बाद ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, विल यूज़ द पेंडुलम टुडे, ताकि हम देखेंगे कि कब तक ये इंसान जो है ना आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और आज या डेफिनेटली फॉर फॉर एवर आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द ब्रेसलेट्स। क्यों मैं ब्रेसलेट नहीं पहन रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल एक्सप्लेनेशन होगा जो मैं देने वाली हूँ। बट राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, ठीक है। ये समय नहीं है आपके वक्त को ज़ाया करना। तो मैं डेफिनेटली एक दिन नोटिस दे दूंगी या मैं आपको लाइव आके बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं आपके करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम ये सारे कार्ड्स को देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन क्या है, उनके करंट सिचुएशन क्या है, करंट हालात क्या है, आपके करंट सिचुएशन क्या है, ताकि आपको पता चले कि रीडिंग आप ही का है। ओके, सिचुएशन क्या है, डोंट स्टॉप, पीसफुल रिजोल्यूशन, वी हैव द सक्सेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपके करंट सिचुएशन इस तरह के हो सकते हैं, कुछ लोग जो फेलियर हो चुके हैं रिलेशनशिप्स में या रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हो, अप एंड डाउन हुआ है, तो डेफिनेटली उन लोग के लिए राय ये है कि आप अपने ज़िंदगी में रुके ना, ठीक है, रुके ना, मतलब किसी के लिए ना रुके, आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। डोंट स्टॉप, डेफिनेटली जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए एक सक्सेसफुल एक कमिटमेंट डेफिनेटली आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, डेफिनेटली जो आप नहीं देख पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर के साथ अदर, आप अगर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, या अगर आप ऑलरेडी पार्टनर्स थे पहले लेकिन शायद अभी कोई भी बातचीत नहीं होता है, तो यहाँ पे बहुत ही जल्द मतलब सिचुएशन इस तरह से है आपके कि आप चाहते हो कि किसी भी मतलब हालात में वो सुलह हो जाए, ठीक है, वो सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम्स रहे ही ना, ठीक है, वो आपको और डीपली अंडरस्टैंड करे और समझे और आपके सिचुएशन के साथ डेफिनेटली कंपैशनेट हो और आपको फीलिंग्स को गहराई से समझे, ये आप चाहते हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अपना इंट्यूशंस का काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स आप देख रहे हो, मैच करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट ओनली इन माई चैनल बट इन डिफरेंट चैनल्स, ठीक है, और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी, ठीक है, कुछ भी फैसला आपके सामने नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आ जाए, ठीक है। बेसिकली जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन या अपने पास्ट से डील कर रहे हो वो चाहते हो कि सुलह हो जाए, और जो लोग ऑलरेडी सिंगल हो वो चाहते हो, वो ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए फेलियर के वजह से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, लेवल था, आपको लगता है कि रिजेक्शन हो जाएगा या कोई भी रिश्ता आए तो वो आपको पसंद करेगा या नहीं, वो इंसान कैसे होंगे,
उस तरह से नहीं सोचना, आपको आगे बढ़ना है। सो डेफिनेटली आप चाहते हो कि फुल एंड फाइनल कमिटमेंट, सक्सेस इन रिलेशनशिप, जिस तरह से नॉर्मल जिंदगी होता है, मैरिड लाइफ होते हैं, उसी तरह का जिंदगी आप कामना करते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इंसान कौन है जो आपके जिंदगी में आने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में कौन ऐसे इंसान हैं जो अप्रोच करने वाले हैं बहुत फास्ट। हु इज गोइंग टू अप्रोच? अच्छा, आप लोगों में से कोई हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ लोग हो सकते हैं आप लिब्रा हो, ओके, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि फायर साइन बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, फिर भी मैं देख लूँगी, साइंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकता है कोई, और वर्गो हो सकता है कोई। सो हु इज़ गोइंग टू अप्रोच योर लाइफ वेरी फास्ट? कौन आपके ज़िंदगी में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं? कौन आपके ज़िंदगी में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं आपको? वाओ, यंग, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। वन, हो सकता है कि आप 11-11 या 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, स्पेशली यस 12, वन के बाद 12। देखो, यंग एंड इन, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यंग एंड इन, सो ऑफकोर्स दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ये तो आपके रूह के साथ ही है भाई। ठीक है, ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपके बिना अधूरे है, आप इनके बिना अधूरे हो। ब्लेस्ड, वाओ, 22, हो सकता है 222, हो सकता है 222, कमेंट्स आप देख लो कई जगह पे, हो सकता है 22, हो सकता है 10 बजे आप इस रीडिंग को देखो। ठीक है, हो सकता है कि इस, ये भी हो सकता है कि 21 नंबर या 12-21 मिरर नंबर्स आप देख रहे हो, किसी का बर्थडे हो सकता है मंथ ऑफ दिसंबर, किसी का बर्थडे हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या हो सकता है जून, या हो सकता है जुलाई या मार्च, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 12th and 22nd। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है, ऑब्जर्वर, वाओ, 49, इट कम्स टू 13, सो अगेन अ डेथ कार्ड इज देयर। ठीक है, तो मुझे इस तरह से इंसान लग रहा है आपके लाइफ में, जो आपको इस, इट्स लाइक द एस ऑफ कप्स, लाइक आपको आपके जो प्यार है, ठीक है, वो अच्छे से भली भांति जानेंगे, पहचानेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग होगा आपके साथ, म्यूचुअल डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेंगे, आपके जो ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट करना भी बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, और आप भी उनको अच्छे से समझोगे, आप भी उनका जो बातें हैं, स्टेटमेंट्स है, आपको पसंद आएगा वो इंसान। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लवेबल होंगे और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे, काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे। हो सकता है कि इंसान जन्म से ही विद अ सिल्वर स्पून, बोलते हैं ना, सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून लेके जन्म लिए हो। काफ़ी ज़्यादा इनके फैमिली, हो सकता है रॉयल हो, रिच हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना लैविश लाइफस्टाइल जीते हो। अगर ये ट्रैवल भी करते हैं तो लग्जरी क्लास में ट्रैवल करते हैं। हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्जरी ब्रांड्स ये यूज़ करते हैं, मे बी इनके पास काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स है, गाड़ी है, ठीक है, या ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना या अपने आप को कैरी करना, ये सारी चीज़ इनके अंदर होगा। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स भी किए होंगे आपके लाइफ में, ठीक है, खुद के लाइफ में। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में हो, या हो सकता है ये इंसान एस्ट्रोनॉमर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या हो सकता है कि इनको ना हॉबी टाइम, मतलब जब ये बहुत ज़्यादा फुर्सत में रहते हैं तो इंसान प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो है ना वो देखना पसंद करते हैं, आकाश में जो भी प्लैनेट्स हैं। इनके पास हो सकता है कि टेलीस्कोप हो, इट्स पॉसिबल, कुछ लोग के घर में होते हैं, ओके। एंड आई डू फाइंड ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, आपके जो एक्टिविटीज़ है इनके ऊपर, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र होगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ अ स्टॉकर, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपके प्रोफाइल को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू। ये वेरीफिकेशन के बिना आपके पास नहीं आएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट है, जिस तरह से विजिलेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, वो
कोई भी सस्पिशियस चीज़ को अनुभव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, राइट, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वहाँ पे लगेज जिस तरह से स्कैनर में चेकिंग होता है, तो वहाँ पे भी विजिलेंस डिपार्टमेंट होते हैं, राइट, तो वो चेक करते हैं, कुछ सस्पिशियस हो, ठीक है, शक करने लायक कुछ चीज़ हो तो वो रोक देते हैं, राइट। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है। बट ये इंसान डेफिनेटली जब आप इनके साथ मिलन में आओगे विद द डिवाइन, ओके, यूनियन, दिव्य जिसको बोलते हैं, सो डेफिनेटली आप दोनों में जो है ना वो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शाई हो, इंट्रोवर्टेड हो, एक्सट्रोवर्टेड बिल्कुल नहीं हो तो ये पर्सन होंगे। अगर आप हो, आप एक्सट्रोवर्टेड होंगे तो ये इंट्रोवर्ट होंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन करोगे तो ये इंसान नहीं करेंगे, मतलब उल्टा आपका नेचर इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकता है, कॉन्ट्रैरी। बट ये पर्सन के साथ आपका ज़िंदगी एक आशीर्वाद की तरह होगा, ठीक है। आशीर्वाद मतलब बहुत कुछ अच्छा आपके ज़िंदगी में, आप सही ट्रैक में जाओगे ना। कुछ लोगों का कंपेनियन मिलने से क्या होता है ना, वो गलत चॉइसेस कर लेते हैं अपने ज़िंदगी में, उसके वजह से उनके ज़िंदगी बिगड़ जाते हैं। तो आपके ज़िंदगी जो है ना वो अगर बिगड़ा हुआ होगा तभी भी सुधर जाएगा इस इंसान के वजह से, बिकॉज दिस पर्सन विल हैव अ स्पेशल ऑरा, ठीक है, क्योंकि ये आपके रियल सोलमेट है, जेन्युइन है इंसान, ऑथेंटिक है इंसान, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ब्रांडेड आइटम्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम पकड़ लो, अभी समर सीजन है मैं बोल रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, ठीक है, अगर आप कुछ भी बर्फ और चीनी का मिलन से ही आइसक्रीम नहीं बनता, ठीक है, उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, देन इट बिकम्स आइसक्रीम। सो इस तरह से होंगे, वो फॉल्स नहीं है, टेम्पटिंग नहीं है, बट जो भी खाने में होगा ना काफ़ी ज़्यादा वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। इट्स लाइक दैट, आप समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे इंसान एक कंप्लीट पैकेज होगा आपके लाइफ में। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं और लास्ट में हम देखेंगे विद द पेंडुलम। सो हु इज़ दिस पर्सन, इंसान कौन है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आइसिस, प्लीज़ हेल्प मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन अप्रोच करने वाले हैं बहुत फास्ट। हु इज़ अप्रोचिंग देयर लाइफ वेरी फास्ट। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। ये देखो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स सिक्स नाइन, 69 अगेन कैन बी इम्पॉर्टेंट, कैन बी कैंसर साइन और 69 अगेन अ ट्विन फ्लेम नंबर, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू एस है, तो चांसेस है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नया इंसान है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव फाइव डबल फाइव डबल सिक्स डबल नाइन, ये सारे रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं, हो सकता है इनके डेट ऑफ बर्थ हो फाइव सिक्स एंड नाइन, इट्स पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। बॉटम ऑफ द कार्ड, वाओ, टेम्परेंस, 14 नंबर, ठीक है। सो ऑफकोर्स ये पर्सन हो सकता है सजिटेरियस हो, ओके, सारे साइंस आ चुके हैं, मेजर अर्काना में टेम्परेंस आ गया है, तो टेम्परेंस फिर से एक डिवाइन काउंटर पार्ट का, एक ट्विन फ्लेम का एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मुझे जिस तरह से लग रहा है ना, अगर ये फेमिनिन है तो काफ़ी ज़्यादा इनके अदाओं पे ना फिदा हो जाओगे, अदा वो गाना मुझे याद आ रहा है, फिदा हो जाओगे आप इस इंसान के ब्यूटी के ऊपर, नॉट ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहर का सुंदरता नहीं, अंदर से भी सुंदर होंगे ये, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है अच्छा कम्युनिकेट करने वाले हैं ये इंसान, उनका कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रहेगा, चाहे वो किसी को डिनाई कर रहे हो, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, किसी को अपने ज़िंदगी में आने का परमिशन दे रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इनके नक्षत्र हो सकता है कि मघा हो सकता है, धनिष्ठा हो
हो सकता है पुनर्वसु हो सकता है पुष्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा जो मुझे लग रहा है, धन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इंसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आया था, तो इनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब यू कैन से मोर, इट्स लाइक 7 digits, ठीक है। या हो सकता है इंसान के जो फोर फादर्स मतलब पूर्वज थे, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा छोड़ के गए हो। एंड आई डू फाइंड ये पर्सन पास्ट में विश्वास नहीं करते हैं जीना, ठीक है। इनका पास्ट अगर हॉन्टेड भी है, बुरी तरह से ये पर्सन घायल भी हो चुके थे, ठीक है, तो भी ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पीछे छोड़ देते हैं। क्लियर एंड कट डिसीशंस लेने वाले इंसान हैं। कभी कभार हो सकता है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में जाओ, हो सकता है कि ये ऑलरेडी अपने पास्ट से जूझ रहे थे, ठीक है। विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देखो कुछ चीज़ दफन इन्होंने कर दिया था, यहाँ पे एक शंख है, तो बहुत कुछ हो सकता है इनके जो पास्ट रिलेशनशिप हुए, ठीक है, इनको पूरी तरह से ये खाली हो चुके थे, ठीक है। हो सकता है चीटिंग हुआ था इनके साथ, बिट्रेयल हुआ था, तो इजीली ये ट्रस्ट नहीं कर पाते, और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन, बहुत ही दर्द गम में थे ये इंसान जब आप इनको मिलोगे, हो सकता है उस दौरान, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके साथ मिलन होते ही इस पर्सन की ज़िंदगी में जिस तरह से रोशनी आ जाएगा, उसी तरह से आपके ज़िंदगी में भी इनके वजह से म्यूचुअल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है ना, यहाँ पे जो इक्वल एक्सचेंज हो रहा है एनर्जीज़ का, जिस तरह से आप उनको दे रहे हो उसी तरह से आप रिसीव भी करोगे, ठीक है। ये कोई इम्बैलेंस रिलेशनशिप नहीं है, ये एक बैलेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आप भी अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, यू आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम योर पास्ट। 6 of Swords, 5 of Pentacles एंड देन देर इज़ अ टेम्परेंस कार्ड। आप आगे जा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं पास्ट में नहीं जीना चाहिए, उसमें कुछ लिखा नहीं है, अपने लिए कुछ करने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका मेंटेलिटी हो रहा है अपने आप, आई विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग, आई विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग मनी, आपका मेंटेलिटी इस तरह से बन रहा है, मुझे भी कुछ कर दिखाना है ज़िंदगी में, मुझे भी अपने पैर के ऊपर खड़ा होना है, ठीक है। एंड देन यू आर मीटिंग द पर्सन, ठीक है, क्योंकि जब एक सोलमेट या जब एक ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है, दे आर कम्प्लीटली, इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल शादी नहीं होता है भाई, नॉर्मल यूनियन नहीं होता है जो हम मतलब जो है ना आसपास देखते हैं। चलो एक बार देख लिया, फैसला हो गया, शादी हो गया, मतलब लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, डेफिनेटली मैरिज हो गया, उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है भाई। आप कंपेयर करना बंद कर देना, ठीक है, कि उसका हो रहा है मेरा क्यों, अरे आपका कनेक्शन ही अलग है। इसको बोला जाता है दिव्य कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल हालात आते हैं, बट यूनियन जब होता है ना, दैट यू बिकम अ पावर कपल देन, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ सिखाते हो इस यूनिवर्स को, आपके जो तजुर्बे हैं लोगों को काम आता है, यू हैव अ सोल पर्पस ओवर हियर, सोल मिशन, हर एक आत्मा का मिशन है, लेकिन आप लोगों का मिशन कुछ अलग ही होता है। यू को क्रिएट टुगेदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, को क्रिएट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, इन्फोसिस का चेयरमैन मिस्टर नारायण मूर्ति एंड हिज वाइफ बोथ, मैं एग्जाम्पल आजकल ज़्यादा देती हूँ ताकि आपको पता चले, बोथ हैव अ लाइफ पर्पस टुगेदर, एक दूसरे का साथ, अगर आप उनका हिस्ट्री पढ़ोगे तो किस मतलब किस तरह एक दूसरे का उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। दिस इज़ द थिंग ना, कि एक हस्बैंड और वाइफ, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है, दे आर सपोर्टिंग, ताकि जो अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, डिग्रेड नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड किस बात का, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस हो रहा है, और अच्छा ग्रोथ हो रहा है। आप देख रहे हो, अगेन देयर इज़ अ मिरर, यहाँ पे भी मिरर है। 9 of Pentacles का कार्ड आप छोड़ दो कुछ समय के बाद, आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ मिरर, योर मिरर सोल्स रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पे देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कट, यहाँ पे क्लैरिटी होगा रिलेशनशिप में, कुछ यहाँ पे हाइड का बात ही नहीं होगा। जब आपका मिलन होने वाला होगा, एक दूसरे से अपना पास्ट भी आप लोग शेयर करोगे, चाहे वो जो भी हो, बिकॉज आप एक दूसरे के सामने कुछ हाइड ही नहीं करोगे,
क्योंकि आपको पता होगा कि वो इंसान ये सब जानने के बावजूद भी ठीक है आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, और आप भी उस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे चाहे जितना भी हो उनका पास्ट। कुछ अलग तरह से रीडिंग आ रहा है आज, और अब मैं बोलते ही जा रही हूँ, चैनलाइज होते ही जा रहा है। इस रिलेशनशिप में सिर्फ जीत और जीत हासिल हो रहा है, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ हो रहा है, आपके पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपका फिजिकल कनेक्शन अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इन 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं फाइनली आप दोनों का कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, व्हाट विल बी योर कंपैटिबिलिटी। वाओ, देखो एक्सेप्टेंस, मैंने अभी बताया, क्या बताया था मैंने, 4 यहाँ पे है, क्या बताया था मैंने, जो भी मैं बताती हूँ ना वो सही होता है भाई। आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट, दिस इज अगेन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यंग एंड यंग कनेक्शन, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहे जो भी हो पास्ट में, जितना भी आपके जो इतिहास हो, चाहे जितना भी उसमें बहुत कुछ हो चुका हो, कोई फर्क नहीं होता। आपको लगता है ये सब चीज़ कि कोई किसी के प्रोफेशन से, कोई किसी के पैसे से, कोई किसी के ब्यूटी से अट्रैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन ट्रू कनेक्शन तभी होता है जब आप एक दूसरे के कमी को या एक दूसरे के जो पॉजिटिव साइड है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, नेगेटिव साइड है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू कनेक्शन। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइटनिंग हो रहा है, यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे होना ही है इसको, क्योंकि ये मैजिकल कनेक्शन है। और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी देगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं गाइस, इंसान कब तक आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। स्पिरिट्स, इफ़ यू आर प्रेजेंट हियर, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। इंसान इनकी ज़िंदगी में कब तक आ सकते हैं। पॉसिबली संडे एंड वेडनेसडे हो सकता है, GHIJ उनका इनिशियल हो सकता है, बाकी इनिशियल्स तो मैं देख लूँगी। स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, एरीज हो सकते हैं, एंड WXYZ, ओके, मोस्ट पॉसिबली हो सकता है नवंबर मंथ एंड अप्रैल मंथ कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑल राइट, अभी हम थोड़ा सा इनिशियल देख लेंगे सो दैट आप भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जब ये पर्सन आपके सामने होंगे, या अगर आप जानते हो तो आपको पता चलेगा। सो हु इज दिस पर्सन, ओ आ रहा है, MIPOEAXAR, रिया किसी का नाम हो सकता है, रिया दिया, UGZ313। तभी बताया था ना मैंने, डेथ कार्ड मैंने वहां से फील किया था, या आपके एक्स हो सकते हैं, दे कैन बी योर एक्स, ओके, दे कैन बी फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री और द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे भी हो आप, ओके, DP, सो हो सकता है कि आप लोग सोशल नेटवर्किंग के थ्रू मिलो ऑनलाइन, बट अचानक मिलोगे, ओके, ब्राज़ील, पता नहीं ब्राज़ील क्यों मुझे लगा, रियो डी जेनेरियो, ओके, मे बी दे लव फुटबॉल और समथिंग, ओके, राजी, तो वो राजी होंगे, RAZI, राजी, राजी मूवी एक बार देख लेना, मे बी समथिंग इज रिलेटेड, मे बी डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजियन हो सकता है, या डिफरेंट कंट्रीज हो सकते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आप मिल सकते हो। मध्य प्रदेश आ रहा है स्टेट, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल, या पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में हो, या हो सकता है कि जर्नलिस्ट हो। बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से इन्होंने लर्निंग किया है, ट्रेनिंग लिया है, खुद के कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, बार लॉयर हो सकता है, या बार में भी रिलेटेड टू अल्कोहलिक बेवरेजेस भी हो सकता है। ओके, मे बी वर्क इन होटल्स और समथिंग लाइक दैट, या बार कैन ऑल्सो बी द लॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6, where truth always exposes darkness.